उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 10 अगस्त को गोरखपुर में होने वाले मंडलीय सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनी। बैठक में जनपदीय सदस्यता अभियान तथा शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा की गई। बैठक में माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री यशवंत सिंह, जिला अध्यक्ष दिग्विजयनाथ पांडे, जिला उपाध्यक्ष भगत सिंह, कार्यकारिणी सदस्य राकेश कुमार मौर्य, ब्रजभूषण, आशुतोष दुबे सहित बड़ी संख्या में माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अध्यक्ष दिग्विजयनाथ पांडे ने कहा, गोरखपुर टीम ने कितनी बढ़िया से और कितनी मजबूती से अपने संगठन के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किया था और अंत में जिता कर चले आया था। क्यों क्यों सबसे ज्यादा चंदा गोरखपुर से मिला था, बंदी उड़ते वो गोरखपुर में बनने नहीं दिया। और उस लहर में आप गोरखपुर को अपने संगठन को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दे गए थे, नहीं तो ये पूरा पूर्वांचल खाली चला गया। फार्म छपने के लिए दे दिया गया है, एक आध दिन में वो मिल जाएगा। तत्परता के बाद जो सेवानिवृत्त इसी सदस्यता के साथ, इसी मंडली सम्मेलन की तैयारी के साथ हम अपना फार्म ले चुका जहाँ आए विश्वविद्यालय में वहाँ कब से कार्यरत है, तो दोनों की सेवा जो करके प्रधानाचार्य से प्रमाणित है, जो उनका प्रधानाचार्य अरे भाई उनकी शादी 25 तारीख तक विद्यालय। बहुत से विद्यालयों में प्रिंसिपल ने व्हाट्सएप पर फोन से सूचना देना शुरू कर दिया। मैं क्या डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर। आज की जो बैठक है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद गोरखपुर के बैनर तले 10 अगस्त को गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले मंडलीय सम्मेलन के लिए बुलाया गया है। इस बैठक में जनपदीय सदस्यता अभियान तथा शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी चर्चा की गई है।